हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले एंड हैप्पी जन्माष्टमी। अनी के स्कूल में 6 तारीख को जन्माष्टमी सेलिब्रेशन था तो कान्हा जी बन के गए थे और फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में वो सेकंड प्लेस पे रहे अपने स्कूल में। स्कूल में काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हो चुकी थी तो अनी ने खूब इंजॉय किया। आज सुबह उठ के सबसे पहले भोग बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने चीनी ली है 1 कप और आधा कप उसमें डाला है पानी, और उसके साथ ही जो ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने थोड़े से रोस्ट कर लिए थे घी में, और मखानों को क्रश कर लिया था और उसको मिला दिया है इसमें। इसमें थोड़ी सी सौंठ डाली है, काली मिर्च भी है और इलायची भी है। ये मेवा पाक बनाने का मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो ये जैसे जैसे मैंने देखा था वैसे मैंने बना दिया और इसको जमाने के लिए रख दिया। तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, तो 2-3 मिनट में ही मैंने इसको कट किया और कट करके ये इसको रख दिया मैंने। मैं कर देखती हूँ कि आराम से निकलेगी या नहीं निकलेगी। तब तक मैंने थोड़े से जो डेट्स होते हैं खजूर उनको छीला, क्योंकि मैं डेट्स और ड्राई फ्रूट डाल के एक बॉल्स बना रही हूँ, अनी और केली भी उसे खा सकते हैं। तो पहले डेट्स के सारे सीड्स अलग कर दिए और तब तक हमारा जो मेवा पाक है वो भी सेट हो जाएगा। इन बॉल्स में मैं चीनी या शक्कर वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी, डेट्स से ही मीठा हो जाएगा। और देखिए ये हमारी मेवा पाक कितने आराम से निकल गई। ये जो डेट्स है ना, इनको मैं अच्छे से क्या कहते हैं उसको क्रश कर लूँगी या इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से, ताकि एक पेस्ट जैसा बन जाए। इसको पेस्ट सा बनाने में इसको काफ़ी टाइम लग गया और मेरे हाथ में छाला भी पड़ गया, लेकिन ये काम तो हो गया। और इसमें जो जो मैंने मेवा पाक में ड्राई फ्रूट डाले थे ना, वही सारे इसमें भी डाले थे। उनको ड्राई रोस्ट किया था और क्रश कर लिया था अच्छे से, उनको ग्राइंड कर लिया था, और ये ऐसे बॉल्स बना के और इसके ऊपर मैंने कोकोनट लेयर में इसको रोल कर दिया है। तो देखिए कितने अच्छे से और टेम्पटिंग से लग रहे हैं, और ये बहुत ही टेस्टी प्रोटीन रिच होते हैं। आपका मीठा खाने का मन हो, बड़ों का या छोटों का, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये। हमारा प्रसाद सारा तैयार हो गया है और यहाँ मैंने साबूदाने की खीर भी बना ली है। साबूदाने में भी वही सारे ड्राई फ्रूट्स पाउडर डाला है मैंने। अनी के लिए पाउडर बना के डालती हूँ क्योंकि उसके मुंह में कुछ नहीं आना चाहिए। और सुबह की पूजा हमारी हो गई है। सदाबहार के फूल ही थे हमारे आंगन में, तो मैंने उन्हीं से सजा दिया है अपने कान्हा जी को। मैंने सुबह नहा धो के पूजा वगैरह कर ली, और इधर केली को भी मैंने येलो ड्रेस ही पहनाई है, और दोनों बच्चे नहा धो के तैयार हैं। ये है दोपहर का टाइम, थोड़ी सी मस्ती हो रही है बच्चों के साथ और उनका खाना पीना सब हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चे सो जाएं। अनी को तो मैंने सुला दिया था लेकिन केली नहीं सोई। केली को खुद को तो नींद आती नहीं है, तो उसने भाई को भी उठाना शुरू कर दिया, और भाई थोड़ा सा उठ गया था तो मैंने पूछा उससे कि क्या मैं साड़ी पहन लूँ, तो उसने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं साड़ी नहीं, सूट ही पहन लो। तो मैं सूट पहन लिया मैंने और तैयार होकर आ गई, और अब केली का रिएक्शन देखिए। को लेके चलते हैं अब। थोड़ी सी मैं सोच रही हूँ कि जहाँ पे मैं फ़ोटो या वीडियो बनाऊँगी केली की, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा ठीक ठाक सा कर देती हूँ। केली सो नहीं रही है, तो इससे अच्छा है कि वो कुछ काम कराए, और उसे मज़ा भी आ रहा है कि हम एक रूम से दूसरे रूम में जाके कुछ कर रहे हैं। केली को नई नई चीज़ें दिख रही थी तो उसे मज़ा आ रहा था, और मैंने ये फटाफट से यहाँ पे डेकोरेशन कर दी है ताकि यहाँ पे मेरे कान्हा जी और राधा जी बैठ सके, और मैं उनकी कुछ 2-4 ब्यूटीफुल सी पिक्स क्लिक कर सकूं। ये अरेंजमेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना।
अब है केली की बारी और ये है उसकी। तो हमारी नन्ही केली को देखिए कितने प्यार से देख रही है वो ये ड्रेस की है, बस मुझे मिल जाए और मैं खेल लूँ। केली की ये फर्स्ट जन्माष्टमी है तो मैं उसको राधा रानी बना के लाती हूँ और भैया बनेंगे कान्हा। तो ये है केली की लहंगा और चोली और ये छोटू सा उस पर दुपट्टा है जिसको मैंने साइड में केली के डाल दिया, लेकिन उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि उसे अब आ रही है नींद और भूख भी लगी है। केली को मैं तैयार करके लेके आई थी लेकिन उसे कुछ मज़ा तो आ ही नहीं रहा था और उसने बूटी वगैरह सारी अपनी निकाल के फेंक दी थी, अपना हेयर बैंड और दुपट्टा वगैरह सब कुछ बहुत ही गुस्से में। मैंने फिर केली को सुला दिया खिला के और वो सो के उठने के बाद उसकी मैंने वीडियो और पिक्स वगैरह क्लिक की तो वो खूब उसने एंजॉय किया। और ये रात 9 बजे की बात है, अनी ने तो ड्रेस भी नहीं पहनी जबकि वो नहा के उसको वही ड्रेस पहननी थी कान्हाजी वाली, लेकिन उसने नहीं पहनी क्योंकि उसके स्कूल में एक दिन पहले ही उसका सेलिब्रेशन हो गया था तो उसे लग रहा था कि जन्माष्टमी तो मम्मा कल थी आज थोड़ी है। वो कान्हा जी बन के आई ही नहीं तो अकेले केली की ही मैंने वीडियो और पिक्स बनाई। सब चाहिए पापा को, सब चाहिए केलू को, लो हाय मैं नहीं डालते इसको। मैं ट्राई कर रही थी कि केली मेरे साथ भी कोई पिक क्लिक करा ले लेकिन केली ने इधर देखा ही नहीं कैमरे की तरफ और जब उसने देखा तो वो कैमरा छीनने के चक्कर में पड़ गई। मैं समझ गई कि टाइम वेस्ट करना बेकार है और यहाँ पे अब रात में बच्चों की सोने की तैयारी हो रही है और साथ ही देखी जा रही है मूवी गदर 2। बच्चों को सुला दिया है और अब रात में पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। आज आलू की सूखी सब्जी बनाई है और पनीर घर का ही था तो पनीर की सब्जी और ये बीटरूट रायता बनाया है और अनी की डिमांड पे बॉल्स वाली खीर मतलब कि साबूदाना खीर बनाई थी। साथ में है कुट्टू के पराठे और मेवा पाक और डेट्स लड्डू। जब फास्ट होता है तब गौतम और अनी को भी मैं फास्ट वाला ही खाना खिलाती हूँ और उन दोनों को ही ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमारी व्रत की थाली और चलिए अब भोग लगा देते हैं। और कान्हा जी का जन्म हो चुका है क्योंकि बाहर पटाखों की आवाज़ आ रही है तो मैंने भी पूजा कर ली है। चलते हैं बाहर चांद को अर्घ देकर व्रत अपना खोल लेते हैं। तो ऐसा रहा हमारा कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार और आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।